फिर क्या ये बाद में क्या बन गया था यूसुफ? क्या बन गया था यूसुफ, जल्दी से बताओ, कौन बनाएगा बताएगा? पीएम बन गया था, प्रधानमंत्री बन गया था फिर ये, है ना? पहले छोटा सा था, फिर जब इसके भाइयों ने धोखे से बुरे पास भेज दिया था, तो फिर प्रभु ने इसके लिए क्या बहुत कुछ अच्छा रखा था, फिर ये प्रधानमंत्री बन गया था। जल्दी से आगे देखेंगे। फिर उस देश में कुछ समय बाद अपने प्रभु ने जब फिरौन को सपने में बताया था, तो क्या होने वाला था उस देश में फिर कुछ समय बाद? जल्दी से बताओ, कौन काला बता? आने वाला, हाँ, काल आने वाला था, सब कुछ वहां पे सूखा पड़ने वाला था, कुछ भी खाने के लिए नहीं मिलने वाला था, मगर वो प्रभु ने अपने लोगों पर पहले ही बता दिया था। तो जो यूसुफ था उसने सारी तैयारी पहले से कर ली थी। और ये बताओ, ये 12 लोग कौन नहीं है? रूबेन, सिमोन, लेवी, जोहान, डैन, निपालती, गैड, असार। हाँ, ये जो थे यूसुफ के ही भाई थे। यूसुफ को मिला कि कितने भाई थे ये? 12। तो ये सारे उसके भाइयों की हमने नाम यहाँ पर आपको दिए हैं, ठीक है ना? और जो लास्ट में है नीचे, सबसे नीचे, ये था बिन्यामीन, बेंजामिन था ये, ठीक है? आज इसके बारे में भी हम जानेंगे। याकूब को अपने 10 बेटों को मिस्र में क्या लेने के लिए भेजा था? याकूब जो था उसने अपने बेटों को क्या लेने भेजा था मिस्र में? जल्दी बताओ, कौन बताएगा? जल्दी जल्दी, अन्न लेने के लिए भेजा था उसने। क्या लेने भेजा था? अन्न, खाने की वस्तु, गेहूं लेने के लिए भेजा था, क्योंकि उनके यहाँ पे खत्म हो गया था अकाल। और क्या बन गया था? तो उसके पास वो सारी चीजें थी, मतलब जो अकाल में जरूरत थी लोगों को, वो उसके पास पहले से, प्रभु जब उसे प्रभु ने इतनी अच्छी बुद्धि दी थी, तो उसने वो सब चीजें वहां पर रख रखी थी। और फिर उसके पास उसके भाई भी लेने आते हैं, तो अब वो तो अपने भाइयों को पहचान लेता है, मगर उसके भाई उसको नहीं पहचानते हैं। तो वो नहीं क्या समझता है, वो कहता है कि तुम भेदी हो, तुम हमारे देश का भेद लेने आए हो। वो वैसे ऐसे बोलता है अपने भाइयों को। फिर वो उसके भाई बोलते हैं, नहीं, हम ऐसे नहीं हैं, और हम यहाँ पे भेद लेने नहीं आए हैं, हम तो यहाँ पर क्या करना आए, अन्न लेने के लिए आए हैं। तो अब हम देखेंगे कि जब उसके भाई वहां पर आते हैं, तो उनको ऐसे बोलता है, फिर उसके बाद क्या होता है? उसके बाद जब वो लोग वहां पे मिल के आ जाते हैं, तो वो कुछ दिन के लिए अपने भाइयों को बना लेते हैं। यूसुफ के भाइयों को अपनी गलती का एहसास होता है कि हमने अपने भाई के साथ क्या करा था, करा था, कुछ लोगों के साथ दे दिया था, तो हमने ये गलती किया था। उनको बहुत दुखी होता भाइयों से, क्योंकि लोग अपने, सॉरी सॉरी मेरी बच्चों, आप लोग अपने प्लीज माइक ना म्यूट रखिए, जब पूछा जाएगा ना तभी आप ऑन करके फिर आपको बोलना है, ठीक है? अदर वैसे म्यूट रखो हमेशा। ओके मेरी सिस्टर। जब फिर शिमोन जो होता है, फिर उनमें से जो उसके 10 भाई आए थे, यूसुफ जो होता है उनमें से, इनके एक भाई को, उसका नाम था शिमोन, वो उनको अपने पास ही रख लेता है। और वो कहता है कि अब तुम, मैं जब यकीन करूंगा, जब तुम अपने और भाई, अपने जो छोटा भाई है उसे लेकर आओगे, तब मैं यकीन करूंगा, और इतने ये मेरे पास क्या रहेगा, यहाँ पर बंदी रहेगा। अब हम देखते हैं कि आगे फिर क्या हुआ होगा। यूसुफ जो होता है वो बोलता है अपने दासों से, जो उसके दास थे उनसे बोलता है कि उन वो जो वो लेने आए हैं उन्हें क्या कर दो, जो गेहूं है वो उन्हें दे दो, एक बोरी में भरकर उन्हें दे दो। अब देखो ये भर रहे हैं ना, उसमें ये भरकर उन्हें दे दो। वो देने के लिए तैयार हो जाता है। और वो उनका पैसा जो वो लाए थे ना कि हम खरीद लेंगे इन पैसों से, वो कहता है कि उनके वो पैसे भी उनके बोरे में अंदर ऊपर रख दो। वो उनके पैसे भी नहीं लेता है, क्योंकि वो उसके भाई थे, वो अपने भाइयों से बहुत प्यार करता था, इसलिए वो उन्हें रुपये भी उनके बोरों के अंदर ही रखवा देता है। अब उसके बाद क्या होता है, वो खाने की वस्तु भी देता है उनके। अब उन्होंने गेहूं तो दे दिया, अब गेहूं तो कच्चे नहीं खा सकते थे ना, जब रास्ते में जाएंगे, अब रास्ता बहुत दूर का था, तो वो क्या उनके लिए क्या देता है रास्ते में खाने के लिए? भोजन की वस्तु है, मतलब खाने की चीजें भी देता है। जैसे हम लंबे सफर पे कहीं जाते हैं या कहीं जाते हैं, तो हम भी कहते हैं ना, चिप्स भी ले लो, कोल्ड ड्रिंक भी ले लो, और चीजें भी ले लो, तो लेके जाते हैं। ऐसी यूसुफ ने अपने भाइयों का ध्यान रखा और उनके लिए क्या दी,
खाने की चीजें भी दी कि रास्ते में वो खा लेंगे जब उन्हें जरूरत होगी तो, भूख लगेगी तो। और उनकी उनके पास क्या थे, गधे थे। तो उन्होंने अपने यूसुफ ने अपने दासों से कहा उनके गधे पर उनका जो भी खाने की वस्तुएं हैं और गेहूं है अन्न है वो सब लाद कर उनके लिए भेज दो वहां से। फिर वो लोग वहां पे कुछ थोड़ी सी दूर जाते होंगे, कहीं पे रुक कर रेस्ट कर रहे होंगे, कुछ खा रहे होंगे, तो वो अपने बोरे जब खोल के देखते हैं ना, तो उन यूसुफ के भाइयों को बोरे में क्या दिखता है? कौन बताएगा यूसुफ के भाइयों के लिए बोरे में क्या रखवाया था गेहूं के साथ और क्या था? कोई भी एक बच्चा जल्दी से मदद, हाँ पैसे थे उसमें, थैली में उनके पैसे रख दिए थे। तो वो देख के डर जाते हैं, अरे ये पैसे कैसे इसमें आ गए, ये तो हमने उन्हें दिए थे, ये पैसे कैसे वापस कैसे रख दिए हैं? और वो डर जाते हैं, वो सोचते हैं कहीं ये उस राजा की चाल तो नहीं है कि वो हमें फंसाना चाह रहा है कि हम अपने पैसे भी वापस ले आए। और वो बहुत डर जाते हैं सब, और वो उस बात से घबरा जाते हैं। फिर जब वो अपने घर जाते हैं, अपने पापा के पास जाते हैं, तो सबसे पहले जाकर किसे बताते हैं? अपने पापा को बताते हैं। कितनी बार हम अपनी अपनी बातें, कुछ भी गलती हमसे हो जाती है या कुछ बात होती है, हम कितनी बार नहीं बताते अपने पापा मम्मी को या किसी को भी, तो हम वो गलत करते हैं। मगर हमें सबसे पहले किसे बताना चाहिए? अपने पापा मम्मी या कोई भी बड़ा होता है, भाई बहन, हमें जरूर शेयर करना चाहिए, उनसे बताना चाहिए अपनी सारी बात, ठीक है ना? ऐसी इन्होंने जैसे ही घर आए, इन्होंने घर आकर सबसे पहले किसे बताया सारी बात? अपने पापा को बताई, याकूब को बताया। अभी याकूब से कहते हैं, पापा हमारे साथ पता है क्या हुआ, उन्होंने हमें अंत तो दे दिया है। तो पापा पूछते हैं, अरे बेटा आप लोग आ गए? हम कहते हैं हाँ, कि पापा उन्होंने हमें अंत तो दे दिया है, गेहूं तो दे दिया है, मगर पता है और साथ में हमें क्या दिया है? उसके पापा पूछते होंगे क्या दिया है, बताओ बताओ। तो कहते हैं उन्होंने उसके साथ हमें रुपए भी दे, पैसे भी दे दिए हैं, जो हम पैसे लेके गए थे वो हम सबकी बोरे में रखे हैं। वो सब सोचते हैं सारी बातें, अपने पिता को बताते हैं कि उसने हमारे साथ ऐसा भी किया था वहां पे, और क्या कहते हैं उसने हमें वहां पे बंदी भी बना लिया था, वो हमें भेड़िया भी कह रहा था। तो कहते उसके पापा सोचते हैं अच्छा अच्छा। फिर वो सिर्फ अपने पापा को पैसों वाली बात भी बताते हैं कि उन्होंने हमारे रुपये की जो बैग थे, छोटी छोटी थैलियां थी, वो भी उसमें रख दिए हैं। तो उसके पापा भी सुनकर ये बात डर जाते हैं, अच्छा ऐसा हुआ है, क्योंकि वो भी सोचने लगे कि कहीं ये राजा की कोई चाल तो नहीं है, और अभी हमारा एक भाई और याकूब का एक बेटा भी वहीं पर ही है। तो वो इस बात से डर जाते हैं बहुत। फिर वो सोचते हैं अब क्या करेंगे। फिर वो जो आए थे वहां से सारे भाई, वो बताते हैं कि पापा उसने ना, यूसुफ ने, ये वहां पे जो राजा है उसने ये भी बोला है कि आप ना वहां से ना, जब आपकी बार आप आओगे अपने छोटे भाई को लाना, तब हम आपके दूसरे भाई को शमौन को वापस भी भेज देंगे, आप तुम सब भाइयों को। तो वो अब याकूब जो है वो सुनकर, इस बात से सुनकर बहुत दुखी होता है। क्यों दुखी होता है, कौन कोई बताएगा क्यों दुखी होता है याकूब? कौन बताएगा जल्दी से बताओ क्यों दुखी होता है? क्योंकि उसको लगता है कि यूसुफ मर चुका है। हाँ यूसुफ का तो पता था, वो तो बहुत पहले से पता था, और यूसुफ का तो भी नहीं पता चला कि वो यूसुफ ही है। मगर वो एक बात से और दुखी हो रहा था कि वो कहते हैं ना बिन्यामिन को भी हमारे साथ लेके जाना पड़ेगा हमें, तो वो इस बात से दुखी होता है कि यूसुफ तो मेरा बेटा अब रहा ही नहीं, अब तुम तो मेरे छोटे वाले बेटे को बिन्यामिन को भी ले जाओगे तो फिर क्या होगा उसको? उस बात से सोच कर बहुत दुखी होता है। वो कहता है अब ये भी चला जाएगा और इससे कुछ हो गया तो मैं कैसे रहूंगा, उस बात से बहुत दुखी हो जाता है। फिर वो नहीं चाहता था कि वो अपने बेटे को वहां पर भेजे। जो रूबेन होता है अपने पिता से कहता है, पिता पापा अगर मैं उसे आपके पास वापस नहीं लाऊंगा ना, तो मेरे जो और मेरे जो बेटे हैं ना, आप उन्हें मार डालना। आप मुझ पे, हम जब किसी बात के लिए विश्वास दिलाते हैं मम्मी को या पापा को या किसी को भी, जैसे हम कहते हैं हम अपने छोटे भाई को चीज लेने के लिए ले जाएंगे, तो मम्मी कहती नहीं नहीं वो भी छोटा है अभी नहीं ले जाना। हम कहते अरे आप मानो, विश्वास करो, हम ले जाएंगे और लेकर भी आ जाएंगे ठीक ठीक, अगर ठीक ठीक नहीं लाऊंगे तो आप मुझे चीज मत देना। तो ऐसे वो कहते हैं अपने पापा से कि आप विश्वास करो, हम अगर बिन्यामिन नहीं लाए तो आप हमारे जो रूबेन का मेरे जो बहुत दुखी हो जाता है, वो बहुत परेशान हो जाता है कि मैं क्या करूं। वो कहता है मेरे पुत्र तुम्हारे संग ना जाए, वो कहता है मेरा बेटा तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, अगर उस पर कोई परेशानी आ गई तब क्या करूंगा मैं इस बुढ़ापे में, मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, मैं तो कुछ कर भी नहीं सकता हूँ, और यूसुफ तो अब रहा ही नहीं है, और बिन्यामिन को भी कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा। वो बहुत परेशान हो जाता है, वो बहुत दुखी करने लगते दुखी हो जाता है और वो रोने लगते हैं। तो अभी तक तो हमने इतना ही जाना है, अब हम नेक्स्ट वीक क्या जानेंगे कि आगे क्या होता है,
कि याकूब बिन्यामिन को भेजेंगे वो शिमोन को वापस लाने के लिए, नहीं भेजेंगे, ठीक है ना, ये हम नेक्स्ट वीक जानेंगे। अब देखते हैं इस कहानी से हमने क्या सीखा है। हम जब भी किसी के साथ, हमें जब भी किसी के साथ भलाई करने का मौका मिले तो हमें जरूर करनी चाहिए। करते हैं हम भलाई, भलाई मतलब किसी के साथ कुछ भी, अगर हमें पता है कि हम ये काम उनके लिए अच्छा कर सकते हैं और हम नहीं करते हैं, तो क्या हम कितनी बार करते हैं ऐसे, कोई करता है? मैं तो बहुत बार कर जाती हूँ। तो आप जब लोग अपने लिए भी प्रार्थना करोगे तो मेरे लिए भी करना कि दीदी भी ऐसा नहीं करें। कितनी बार हम, हमें पता होता है कि हम किसी के साथ अच्छा कर सकते हैं मगर वो हमें कम अच्छा लगता है तो हम उसके साथ वो अच्छा वाला काम नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो अब से हम कोशिश करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमारी सहायता करे कि हम, जब हमें पता है कि हम किसी के साथ भलाई कर सकते हैं या अच्छा कर सकते हैं तो हमें जरूर करना चाहिए। जैसे यूसुफ ने अच्छा कर सकता था उनके साथ, तो यूसुफ ने उनके लिए पैसा भी वापस दिया, उन्हें खाने की चीजें भी दी और उनसे गुस्सा नहीं रहा बहुत कि नहीं इन्होंने मेरे साथ ऐसा बुरा किया था तो मैं भी इनके साथ बुरा करूंगा और इन्हें खाना भी नहीं दूंगा। उसे मौका मिला तो उसने क्या करी, भलाई करी उनके साथ। सेकंड क्या सीखा, अगर कोई हमारे साथ बुरा करे तो हमें उनके साथ बुरा नहीं करना है, ठीक है ना। वही बात जैसे कि अगर कोई बुरा करता है तो हम बहुत बार सोचते हैं इसने मेरे साथ ऐसा किया है ना, अब मैं बताऊंगा इसको, इसने आज मुझे अपनी स्कूल की कॉपी नहीं दिखाई ना, अपनी पेंसिल नहीं दिखाई, जब मैं बड़ी वाली पेंसिल लाऊंगा ना मैं भी नहीं दिखाऊंगा जिस दिन इसके पास नहीं होगी। तो हमें ऐसा नहीं करना है ना, हमें अच्छा करना है। उन्होंने अच्छा करा वो उनका स्वभाव होता है, मगर हमारे प्रभु हमें ये सिखाता है कि हम सबकी हेल्प करें और किसी के साथ बुरा नहीं करें। थर्ड पॉइंट है, जब हम करते हैं गलती भी करते हैं, जब हमसे कोई गलत चीज हो जाती है डर जाते हैं हम तो गलती कर जाते हैं, झूठ बोल जाते हैं या उस को हम मानते नहीं है। जैसे कि याकूब डर रहा था बिन्यामिन को भेजने से, तो वो गलत गलत बोले जा रहे थे बहुत बात के, नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा, ऐसा नहीं कर, ये नहीं करना चाहिए। तो हम डरते हैं तो हमें किसके पास आना चाहिए, सबसे पहले हमें प्रार्थना करनी चाहिए। और प्रार्थना में आप प्रभु से पूछोगे, बेटा माइक म्यूट कर लो ना जिसका म्यूट है, तो प्रभु से हम पूछेंगे कि प्रभु हमसे कहाँ गलती हुई है और प्रभु हमें डर लग रहा है बहुत ज्यादा, तो प्रभु हमारी सहायता करता है, उस डर को भी दूर करता है। फोर्थ लास्ट वाला है ये, यूसुफ को जब भी मौका मिला उसने सबकी मदद की। उसने यहाँ पर अपने भाइयों की भी मदद की और अपने घर के लिए भी खाने की चीजें भेजी उसने, और उससे पहले किसकी की थी, जब वो जेल में था तो उन लोगों की भी मदद की थी स्वप्न बताने में। वो चाहता तो उन्हें नहीं बताता कि वो कुछ समय बाद छूटने वाले हैं, मगर उसने उनकी भी सहायता की थी। तो उसे जब भी मौका मिलता था वो सबकी सहायता करता था। मेरी कुछ प्रॉब्लम हुई क्या? हाँ जी सिस्टर, अभी शायद डिस्कनेक्ट हो गया था। सिस्टर आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी आ रही है, आ रही है, लेकिन ये दो मिनट में कोशिश, हाँ अभी अभी आप कर दोबारा से ना शेयर कर लीजिए। सिस्टर बस दो मिनट दीजिए, प्रॉब्लम है तो मुझे बता देना, मैं शेयर करूं क्या? नहीं नहीं हो जाएगा सिस्टर। ओके ओके ओके, सिस्टर आप मुझे प्लीज होस्ट बना दीजिए, नहीं हो पा रहा है, शेयर नहीं हो पा रही है। ओके दो मिनट, दो मिनट, हाँ मैं ना सेटिंग चेंज करती हूँ जी, अभी करके देखना। हाँ जी अब सिस्टर
दूसरा स्क्रीन शेयर दिख रही है अभी? हाँ 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 दिख रहा है, दिख रहा है, ओके क्लियर है। अभी तक हमने जो बातें सीखी उसे याद रखना है बच्चों, और मैं जल्दी जल्दी एक बार फिर बता देती हूँ, डिस्कनेक्ट हो गए तो शायद आपको आवाज नहीं आई होगी क्या। हमें जब भी भलाई का मौका मिले तो हमें सबके साथ भलाई करनी है, और उनके साथ मौका मिलते ही हमें उनके साथ भलाई करने में हमेशा तैयार रहना है। और सेकंड था, अगर कोई हमारे साथ बुरा करे तो उनके साथ हमें बुरा नहीं करना है। हम जब हम डरते हैं तो गलती करते हैं, जैसे याकूब डर रहा था बिन्यामिन को भेजने से। यूसुफ को जब भी मौका मिला उसने सबकी मदद की, तो हमें भी सबकी मदद करनी चाहिए। अब है मेमोरी वर्स कि हमें क्या कौन सी आयत याद करके आनी है। अब ये है, बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। यूसुफ ने भी बुराई को जीत लिया था ना, कि उसके भाइयों ने उसके साथ बुरा किया था, मगर उसने उनके साथ बुरा नहीं करा, उसने क्या करा, अच्छा करा। भलाई का मतलब होता अच्छाई करना, उन्होंने अच्छा करा यूसुफ ने और बुराई को जीत लिया। जब आप आगे और देखोगे स्टोरी को जानोगे आगे आगे वीक में, तो आपको पता चला गया कि उसके भाई भी उससे जब मिलते हैं तो सब कितने खुश होते हैं, ठीक है ना। तो इसे मेरे साथ सब बच्चे बोलेंगे, बुराई से ना हारो, बुराई से ना हारो परंतु भलाई से, परंतु भलाई से परी बुराई को जीत लो। एक बात तो बोलेंगे, बुराई से ना हारो, बुराई से ना हारो परंतु, परंतु इसे भलाई से बुराई की को जीत लो। तो रोमियो 12:21, रोमियो 12:21, 12:21, ठीक है। अब आपकी वर्कशीट जो है वो ये है, अब जल्दी जल्दी बताना, ठीक है ना। यूसुफ ने बोरे में क्या भरने के लिए कहा था? रुपए, रुपए और भरने के लिए क्या कहा था? रुपए भी रखे थे उन्होंने उसमें, ठीक है ना। अब थर्ड है इसमें, यूसुफ को मिलाकर वे सब कितने भाई थे? 12, अरे नहीं 12. दस भाई थे। कितने थे? 12, सही, बिल्कुल सही। अब फोर्थ थे, याकूब और उसके बेटे बोरे में क्या देखकर डर गए थे? रुपए की थैली। याकूब के सबसे छोटे बेटे का क्या नाम था? बिन्यामिन। वेरी गुड, आपने जल्दी जल्दी आंसर दी। ऐसी वर्कशीट करके आप मुझे भेज देंगे, ठीक है ना। जो आपको ये एक पेपर पे ड्रॉ करनी है पिक्चर, और ऐसे ड्रॉ करने के बाद उस पे छोटा सा ये रस्सी सी लगाती नहीं, गेहूं सबके घर में मिल जाएंगे। यस सर। और ये भी आप दीजिएगा तो बना के। ये आप करेंगे क्या बच्चे? फिबी सिस्टर जी, जी सिस्टर, सिस्टर ये वर्कशीट अभी करेंगे? टाइम तो कम ही है वैसे, अगर कर सकते हैं बेटा आप बता, देख लीजिए एक्टिविटी टाइम के लिए बता दिया वो एक्टिविटी आपने? हाँ जी हाँ जी। उसमें कुछ ज्यादा तो नहीं करना है ना, इन्हीं को खुद करना है, यहाँ पे तो कुछ नहीं करना है? नहीं नहीं नहीं, वो तो ये करके लेकर आएंगे सिस्टर। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ठीक है फिर खत्म करते हैं मुझे, क्योंकि 6 मिनट ही है 2 बजने में। जी 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 जी, ओके ओके ठीक है बच्चों। आप सभी लोग ये करके आएंगे और आप प्रार्थना भी करेंगे, जो आज हमने लर्निंग पॉइंट सीखे हैं, कि हम भी ऐसे ही प्रभु के साथ चलें और प्रभु की महिमा के लिए हम जो भी काम करते हैं प्रभु की महिमा के लिए और प्रभु की इच्छा में ही करें।
सिस्टर आप इसको स्टॉप कर सकते हैं, मेरी साइड से नहीं हो रहा है। हाँ हाँ मैं कर देती हूँ, कोई बात नहीं, हो गया। हाँ ना, चलो ओके। टीना सिस्टर से हम रिक्वेस्ट करेंगे, वो प्रार्थना में हमारी सहायता करेंगी। टीना सिस्टर आप हैं? हाँ जी सिस्टर, मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ। प्रभु जी आपके चरणों में आते हैं और प्रभु आज के संडे स्कूल के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपने बच्चों से बात की और हमसे भी बात की। प्रभु प्रभु सच में यूसुफ बहुत हेल्प कर रहा था अपने ब्रदर्स की। प्रभु वो इसलिए कर पाया क्योंकि उसने अपने भाइयों को माफ कर दिया था। प्रभु उसके भाइयों ने तो उसको खाना नहीं दिया था प्रभु, जब वो उसको एक पिट में डाल दे रहे थे, पर प्रभु यहाँ पर जब उनके भाइयों को खाने की जरूरत थी तो यूसुफ जितना जितना उनको जरूरत थी उससे ज्यादा दे रहा है। प्रभु ये सच में ऐसा प्यार आप हमें भी दीजिए। और प्रभु जी हम भी जब कोई भी भला काम हमारे हाथ में मतलब हम कर सकते हैं प्रभु जी, हम उसे करने में पीछे नहीं हटे, आप इसमें हमारी हेल्प कीजिए। प्रभु आज के संडे स्कूल के लिए आपका धन्यवाद प्रभु जी, और प्रभु मेरे सिस्टर के लिए प्रार्थना करते हैं, उनको आशीष दीजिए, और प्रभु उनके लिए भी आपका धन्यवाद प्रभु जी। जो भी बच्चा है प्रभु उनको अच्छी हेल्प देना, और प्रभु ये पूरा वीक का पुण्य संभालना प्रभु। प्रभु आप उनकी हेल्प कीजिए ताकि वो अपना वर्कशीट कंप्लीट कर सके और अपना मेमोरी वर्स याद कर सके। आज के जो वचन है प्रभु वो सिर्फ ऐसा नहीं हो कि वो जो सिर्फ सुनने वाले हो पर प्रभु उसके अनुसार चलने वाले भी हो, इसमें आप उनकी हेल्प कीजिए। ये छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ, आमीन।